प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। लूका के उस वचन को दोबारा अपनी स्क्रीन पे पढ़ेंगे। लूका 12 उसकी 35 आयत में लिखा, तुम्हारी कमरें बंदी रहें, तुम्हारे दिए जलते रहें। अपने पड़ोसी को बोलो, तुम्हारी कमर बंदी रहे, तुम्हारा दिया जलता रहे। आमीन। अब मैं चाहता हूं हम एक वचन पढ़ें, पहला पत्रस 1 उसकी 13 आयत को। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। लोग बोलते हैं कमर को कैसे बांधूं मैं, वहां लिखा है बाइबल में कि तुम्हारी कमर बंधी रहे, क्या बेल्ट लगा लूं मैं, तुम्हारे दिए जलते रहे, क्या घर में दिया जला लूं मैं। बाइबल में तो ये दिए जलाना मना है, लेकिन कौन से दिए की परमेश्वर बात कर रहा है और कौन सी कमर को बांधने की परमेश्वर बात कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है जब आप बाइबल को पढ़ें तो पवित्र आत्मा से पढ़ें, क्योंकि बाइबल को एक सब्जेक्ट के रूप में भी लोग पढ़ते हैं, एक रिलीजियस सब्जेक्ट के रूप में बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन वो बाइबल से बहस भी करते हैं क्रिश्चियन लोगों से, लेकिन उनको यह नहीं मालूम होता कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि पवित्र आत्मा नीति वचन में लिखता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो वो अपने वचनों को तुम पर उंडेल देगा। आप जैसे जैसे अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा से भरते हैं, आप जैसे जैसे अपनी लाइफ में पवित्र आत्मा से भरते जाते हैं, वैसे वैसे ही वचन की गहराई भी आपकी जिंदगी में बढ़ती जाती है। हालेलुया। जो व्यक्ति आज वचन पढ़ रहा है और उसको जितना समझ आ रहा है, लेकिन आज से 2 साल बाद जब वही वचन वो पढ़ेगा उसको ज्यादा समझ आएगा, गहराई से समझ आएगा, अगर वो व्यक्ति उन 2 सालों में पवित्र आत्मा से और भरा हो और परमेश्वर के अनुग्रह से और भरा हो। हालेलुया। अब उसमें लिखा कि अपनी अपनी बुद्धि की कमर कसकर बांधकर और सचेत रहकर, अपने पड़ोसी को बोलो अपनी कमर बांध ले, अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध ले और सचेत हो जा। अब पत्रस इसमें समझा रहा है कि जो परमेश्वर ने तुमसे कहा था कि अपनी कमर बांध लो, तुम्हारी कमर है क्या। पत्रस कह रहा है कि इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधो, यानी मसीह में अगर तुमने अपनी कमर को बांधना है तो तुम्हारी मसीह में जो कमर है वो तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा दिमाग है। हालेलुया। इफिसियां 6, इसलिए परमेश्वर के 6 उसकी 13 से 17, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में उसका सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। याद रखो परमेश्वर ने आपको अगर लड़ाई में भेजा, क्योंकि ये लड़ाई है, बोलो अपने पड़ोस से ये लड़ाई है, अगर उसने आपको लड़ाई में भेजा तो वो आपको बिना हथियारों के नहीं भेजेगा। मान लीजिए आप एक ठेकेदार हैं, आपने एक बिल्डिंग का ठेका लिया और जब आपने वहां पर अपने मजदूरों को या अपने मिस्त्रियों को आप भेजेंगे तो आप उनको बिना हथियारों के नहीं भेजेंगे, आप उनको बिना मशीनों के नहीं भेजेंगे, हाँ या ना। क्योंकि आप ठेकेदार हैं और आपने अगर अपने अपनी टीम को भेजना है तो आप उनको पूरे हथियारों के साथ, पूरे चीजों के साथ लैस करके भेजेंगे, हाँ या ना। बेस कम करो, अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर के सारे हथियार बाइबल कहती बांध ले। आमीन। अब आपने ध्यान से इस वचन को समझना है। बाइबल कहती परमेश्वर ने आपको बिना हथियारों के नहीं छोड़ा। आपका युद्ध शैतान के साथ है, आपका युद्ध किसी आरएसएस के साथ, बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ, कैथोलिक के साथ, पेंटिकोस्टल के साथ, हिंदुओं सिखों के साथ बिल्कुल नहीं। इस युद्ध में कभी मत पड़ना, ये हमारा युद्ध नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि शैतान से और अंधकार की शक्तियों के साथ है। और अब आपको यह बात समझनी है कि परमेश्वर जो भी वचन आपके लिए लिखता है वो एक हथियार है आपका, ताकि आप उस हथियार को अपने शैतान के अटैक के खिलाफ यूज कर सकें। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं। हां, गरीबी का श्राप एक हथियार है शैतान का, और वो उस हथियार से आपको अटैक करता है, आपको खत्म करता है। बीमारी शैतान का एक काम है, कलेश शैतान का एक काम है, असंतुष्टि शैतान का काम है, बेचैनी शैतान का काम है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहना यह शैतान का काम है। और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें हथियार दूंगा और जब तुम इन हथियारों को बांध लोगे तो तुम बुरे दिनों का सामना कर पाओगे, तुम शैतान से लड़कर जीत पाओगे। हालेलुया। और अब अगर मैं आपको समझाना चाहता हूं, इस हथियार को हम पढ़ेंगे इफिसियां 6
उस वचन को 14 में लिखा, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लो। और कमर क्या है, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, पहला पत्रस फिर पढ़ेंगे, अपनी अपनी बुद्धि की कमर क्या करो, कस लो। यीशु मसीह ने हथियार दिया, उसने कहा सच्चाई से अपनी कमर को क्या कर, कस ले। क्योंकि शैतान जब व्यभिचार के अटैक के साथ तेरे पास आएगा तो वो तेरे दिमाग में आएगा, बुरा विचार तेरे दिमाग में आएगा, चोरी का विचार तेरे दिमाग में आएगा, हत्या का विचार तेरे दिमाग में आएगा, गुस्से का विचार तेरे दिमाग में आएगा। और अगर तेरा दिमाग सच्चाई के साथ कसा हुआ नहीं है तो तू अपने इमोशंस के साथ चलना शुरू कर देगा और बाद में तू दुख को भोगेगा। गुस्से का विचार माफ नहीं करना, कड़वाहट रखनी, बदला लेने की भावना रखनी। यीशु मसीह को भी गुस्सा आता, बाइबल कहती है वो परमेश्वर के घर में गया और उसने उस सब लोगों को वहां से निकाल दिया जो व्यापार कर रहे थे। वो गुस्सा अलग है, वो धार्मिकता वाला गुस्सा है, लेकिन इस मैं शैतानी गुस्से की बात कर रहा हूं, मैं व्यभिचार की बात कर रहा हूं, मैं चोरी की बात कर रहा हूं, मैं पाप की बात कर रहा हूं, मैं उस बदला लेने की भावना की बात कर रहा हूं जो दिमाग में आपके आता है। और अगर आपके दिमाग में परमेश्वर का वचन नहीं होगा तो आप बहक जाएंगे। हालेलुया। एक औरत मुझसे कहती है कि मैं 40 दिन रात नंगे पांव चर्च में आऊंगी और खुदावंद मेरे रास्ते को खोलेगा। मैंने कहा वो नहीं खोलेगा, क्योंकि तेरा बेस ही गलत है। तू सोच रही है कि मेरे नंगे पांव जाने से खुदावंद रास्ते खोल देगा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि नंगे पांव से आने से तेरे रास्ते खुल जाएंगे। बाइबल कहती विश्वास से तू सब रास्तों को खोल सकती है। हालेलुया। तो परमेश्वर को उस तरह से मत ले जिस तरह से तू दूसरे लोगों में से आई है। ये परमेश्वर अलग है, ये विश्वास को देखता है। आमीन। कि तू अपनी जिंदगी में कुछ भी करे, कोई व्यभिचार करे, चोरी करे, चलाकी करे और उसके बाद बोले कि मैं नंगे पांव चर्च में आ जाऊंगी, उसके बाद तेरा यीशु मसीह में विश्वास भी नहीं है। सब जगहों में तू जाती है, सब कुछ खाती है और फिर तू कहती मैं नंगे पांव आऊंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। ऐसे नंगे पांव को परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता। बाइबल कहती विश्वास से तू उससे सब कुछ ले सकता है। और उसने कहा सच्चाई से अपनी कमर को कस ले। यीशु मसीह ने भी कहा तुम्हारी कमर कसी हो। पौलुस ने भी कहा अपनी कमर को कस लो। लेकिन कमर है क्या, वो हमें पत्रस ने सिखाया। उसने कहा अपनी अपनी बुद्धि की कमर कस लो। कैसे कसोगे, वो हमें इफिसिया में पौलुस ने सिखाया। उसने कहा सच्चाई से अपनी कमर कस लो। यीशु मसीह ने कहा कमर कस लो। पत्रस कहता है कि अपनी बुद्धि की कमर कस लो। अच्छा, कमर का मतलब बुद्धि, कसे किससे? पौलुस कहता सच्चाई से अपनी कमर कस लो। आमीन। उसे कहता सच्चाई से अपनी कमर कस लो। फिर से पढ़ेंगे उस आयत को। सत्य से कहता अपनी कमर को कस लो, क्योंकि जब शैतान तुम पे अटैक करेगा वो तुम्हारे दिमाग पे करेगा। अविश्वास का जब अटैक होगा तुम्हारे दिमाग में होगा, तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, इससे अपने विश्वास को इस चीज पर केंद्रित मत करो। अपने विश्वास को इस चीज पर केंद्रित करो जो वचन में लिखा हुआ है, वो सच्चाई है। वो मेरा परमेश्वर है, वो चंगा कर सकता है, वो छुड़ा सकता है, वो एकमात्र परमेश्वर है। ये वचन में लिखा और यही मेरे विश्वास का आधार है। क्योंकि आज मुझे प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है, एक समय था जब नहीं मिल रहा था। आज किसी को कामयाबी मिल रही, लेकिन एक समय था जब नहीं मिल रही थी। तो अगर हम दुनियावी तरीकों से देखेंगे, अगर हम ये देखेंगे कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, उस पर अगर मेरा विश्वास रहेगा तो वो तो तब रहेगा जब होगा काम, और जब तब नहीं रहेगा जब काम होने बंद हो जाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा अपनी कमर को, अपने आसपास की घटनाओं से नहीं, अपनी बुद्धि की कमर को सच्चाई के साथ कसना है। और बाइबल कहती है इस दुनिया में सब लोग झूठे हो सकते हैं, देश झूठे हो सकते हैं, लेकिन जो आपके हाथ में ये वचन है, ये कभी झूठा ना था, ना है और ना हो सकता है। ये जो आपके हाथ में वचन है कभी झूठा नहीं हो सकता। आमीन।